सरकार इतनी छलावा नियमावली दे चुकी है कि जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, जिंदगी बर्बाद करने की बात कह दी है। आप कभी सोचिए, एग्जाम से हम लोग नहीं डरते हैं, हम वही शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो परीक्षा की मांग किए थे। आज हम लोग परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनकी गलत नीतियों को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह BPSC से एग्जाम होती है तो इसको देने में हमें डर नहीं है। आप 4 साल से कर क्या रहे थे, ये 4 साल का हिसाब तो पहले दे दीजिए। अगर कोई भी चीज़ खेल शुरू होता है तो खेल शुरू होने से पहले नियम को बता दिया जाता है, इन्होंने वैसा किया नहीं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रंजन आप लोगों से विनय करता हूँ, अनुनय विनय करता हूँ कि आज जो नियमावली संशोधन के संदर्भ में आंदोलन रखी गई है 16 तारीख का, इसको सफल बनाइए, क्योंकि अब एक होने का समय है। सरकार इतनी छलावा नियमावली दे चुकी है कि जिसका कोई ठोर ठिकाना नहीं है, जिंदगी बर्बाद करने की बात कह दी है। आप कभी सोचिए, एग्जाम से हम लोग नहीं डरते हैं, हम वही शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं जो परीक्षा की मांग किए थे। आज हम लोग परीक्षा का विरोध नहीं कर रहे हैं, इनकी गलत नीतियों को विरोध कर रहे हैं, क्योंकि अगर यह BPSC से एग्ज़ाम होती है तो इसको देने में हमें डर नहीं है। लेकिन अभी आप ये सोच लीजिए कि अभी वैकेंसी का समय है या फिर परीक्षा देने का समय है। आप 4 साल से कर क्या रहे थे, ये 4 साल का हिसाब तो पहले दे दीजिए। अगर कोई भी चीज़ खेल शुरू होता है तो खेल शुरू होने से पहले नियम को बता दिया जाता है, इन्होंने वैसा किया नहीं। नियमावली आ गई, उसमें भी बहुत सारा पेच है। पेच नंबर 1 कि एक साथ नियोजित को भी इसी में दौड़ा रहे हैं, एक साथ जो प्रशिक्षित अभ्यर्थी भी जो अभी नियोजित नहीं हुए हैं उनको भी, कहाँ तक उचित है आप बताइए ना। और दूसरी चीज़, गाय और घोड़े का रेस एक साथ नहीं दौड़ाया जाता है। आप एक बार हम लोग का परीक्षा ले लीजिए ना, तब कोई मतलब भी रहता, लेकिन वही जो अभी बहाल है उन्हीं को फिर से आप बहाल करने जा रहे हैं, ये कहाँ तक उचित है। और दूसरी चीज कि जो भी आपको करना है पहले हमें नियुक्ति पत्र आप दे दीजिए, नियोजन करवा लीजिए, और जैसे डिपार्टमेंटल प्रमोशन के तौर पर एग्जाम होता है उसी प्रकार से हमें राज्यकर्मी बनने के लिए BPSC की योग्यता रखी जाए, BPSC देने के लिए तैयार है, अन्यथा हम लोग एग्जाम देने से नहीं बल्कि इस गलत नीतियों का विरोध करते हैं और नियमावली 2023 को संशोधन करना होगा। यह हमारी आवाज़ आप तक पहुँच रही है, धन्यवाद। आप सभी इसमें सहयोग करें, 16 तारीख के आंदोलन को सफल बनाएं। धन्यवाद। आपका विश्वासी प्रदेश अध्यक्ष, बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा के संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुधांशु रंजन, बिहार। थैंक यू सो मच।